सो है गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बीड आई क्यू कैसे यूज करें अपने मोबाइल में, बीड आई क्यू से SEO कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे करें अपने फ़ोन में। लैपटॉप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने लैपटॉप से बीड आई क्यू को इस्तेमाल करते हैं और SEO करते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल से ही यूट्यूब अपना चलाते हैं और उससे ही पैसे अर्न करने देते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ कि मोबाइल से ही SEO कैसे करें बीड आई क्यू से की मदद से। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन में हम बीड आई क्यू को कैसे यूज करते हैं। वो भी बहुत ही इजीली है दोस्तों, बहुत ही आराम से आप SEO कर सकते हैं अपने मोबाइल में भी लैपटॉप के जैसे, और अपने वीडियो को रैंक करवा सकते हैं 1 नंबर पर, 2 नंबर पर। इस प्रकार से जैसे कि हम कोई वीडियो को सर्च करते हैं कि हमें मान लीजिए इंस्टाग्राम को फॉलोवर्स इंक्रीज करना है, वीडियो हमें देखना है, तो सबसे ऊपर जिसका वीडियो आता है वो कैसे आता है, उसको SEO कैसे किया जाता है। बीड आई क्यू जो होता है एप्लीकेशन या साइट है, उसकी मदद से हम SEO करते हैं, तो वो हम मोबाइल पे नहीं कर सकते, क्रोम से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक दूसरा एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है, इंडेक्स ब्राउजर है जिसका मदद से हम SEO करते हैं। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक एक स्टेप। अगर आप लोगों को सीखना है SEO और बीड आई क्यू को इस्तेमाल कैसे करते हैं मोबाइल में, तो ये वीडियो को ज़रूर आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने टोटल A to Z बातें को कवर किया हूँ। पहले इंस्टॉल कैसे करें, उसके बाद यूज कैसे करें, उसके बाद SEO कैसे करते हैं, वीडियो को अपलोडिंग टाइम। तो चलिए, आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक बात कीजिए। चलिए लास्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आप लोगों को दिखाते हैं करके। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है यांडेक्स ब्राउजर विथ प्रोटेक्ट आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल देखिए 10 करोड़ प्लस लोगों ने इंस्टॉल किया और 18 लाख इसका रिव्यू, यानी कि ये यकीन करने लायक ये ब्राउजर है, यानी कि इस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ट्रस्टेबल ब्राउजर है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसको हमें सिंपली ओपन करना है, जिस प्रकार से सारा एप्लीकेशन ओपन होता है उसी प्रकार से ये भी ओपन होगा। तो हम इसको सबसे पहले डाउनलोड हो जाता है, तो आगे का काम इसको हम करके दिखाते हैं एक एक स्टेप आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि SEO बीड आई क्यू की मदद से कैसे होता है। तो ये हमारा देख सकते हैं आप लोग इंस्टॉल होने वाला है, ये हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें इसमें अपना उस ईमेल आईडी को लॉगिन करना है, जिस ईमेल आईडी में या फिर जिस यूट्यूब चैनल पर हमें SEO करना है, उसी ईमेल आईडी को इस ब्राउजर के अंदर हमें पेस्ट करना है, यानी कि ऐड करना है। तो ये इंस्टॉल हो गया है, अब इसको ओपन हम करते हैं। तो ओपन होने के बाद लॉन्च प्रोग्राम को करने के बाद हम यहाँ पे YouTube जो ऊपर है उसको हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले YouTube पे क्लिक कर देते हैं। YouTube पे क्लिक करने के बाद हम इसमें अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे, जिस ईमेल आईडी या यानी कि जिस YouTube पे हमें SEO करना है, जिस चैनल पे SEO करना है। तो ऊपर जो कॉर्नर पे आ रहा है इस पर सिंग इन कर लेंगे हम अपने उस ईमेल आईडी से जिस पे हमें करना है SEO। तो हम चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे आइए, हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, अब यहाँ से पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड भी हम यहाँ से डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है जो यूट्यूब चैनल है वो इसमें इस ब्राउजर में लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक और टैब खोलना है, दूसरा टैब, यहाँ एक जो लिखा है इस पर हमें क्लिक करना है और एक प्लस वाले आइकन्स पे क्लिक करके एक और टैब हमें खोल लेना है, और उस टैब में हमें बीड आई क्यू एप्लीकेशन ओपन करना है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसमें सर्च करेंगे बीड आई क्यू
क्रोम एक्सटेंशन, तो इस प्रकार से लिखने से, तो ये सबसे जो फर्स्ट वाला ऊपर आ रहा है इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें डेस्कटॉप वर्जन कर देना है। तो डेस्कटॉप वर्जन करने के बाद सबसे ऊपर जो आ रहा है उस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इस प्रकार से आप लोगों का खुलेगा, तो यहाँ पे बगल में देख सकते हैं ऐड टू क्रोम हो रहा है, तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, यानी कि ऐड हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने यूट्यूब अकाउंट पे और यहाँ पे आके हम, चलिए आप लोगों को किसी और का दिखाते हैं कि वो किसा SEO किया हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट एमलोड अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखते हैं सबसे ऊपर किसका वीडियो आता है, हमें उस पर क्लिक करना है। हम ये जो सबसे ऊपर वीडियो आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि BeatIQ मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं BeatIQ का यहाँ पे लोगो आ गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम उसी ईमेल ID को फिर से यहाँ इसमें लॉगिन करेंगे जिस ईमेल ID से हमें यूट्यूब पर SEO करना है। तो हम यहाँ से फटाफट फिर से ईमेल ID और पासवर्ड को डाल के यहाँ पर सिंगिन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चैनल वाले ने अपने वीडियो में जितना भी SEO किया है या फिर टैग लगाया है या फिर इस वीडियो पे कितना व्यू जाता है पर घंटे, पर हावर्स, और सब्सक्राइबर कितने आते हैं, सारा का सारा इसमें बता देगा। अगर आप इसका अपग्रेड वर्जन ले लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं, तो और भी ज़्यादा ये आपका मदद करेगा आपको SEO करने में। तो यहाँ से हम सिंग इन कर लेते हैं। सिंग इन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये किस प्रकार से खुल जाता है। तो ये सिंग इन होने देते पहले यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा BeatIQ काम कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इस बात पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि क्योंकि आज तक कोई नहीं बताया कि मोबाइल से BeatIQ को कैसे इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं SEO का पूरा यहाँ पे इसका, इस वीडियो का SEO आ गया है। इसकी मदद से हम यहाँ जानेंगे कि इसने अपने वीडियो में क्या क्या ऐड किया और कैसे कैसे टैग लगाया कि इसका वीडियो एक नंबर पे रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 91.1 है SEO, यानी कि 90 से ज़्यादा रहता है तो वो ग्रीन में रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने टैग जो लगाया है ये सारा का सारा रैंक कर रहा है, एक नंबर पे कर रहा है, हाउ टू क्रिएट एमलोड अकाउंट एक नंबर पे रैंक कर रहा है। और इसने जो गलती की है वो टाइटल को इसने बहुत ही लंबा लिखा है, ये है। उसके बाद इसने शेयर नहीं किया, फेसबुक पे कार्ड नहीं लगाया अपने वीडियो में, यहाँ पे रेड वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो सारा का सारा गलत है, उस पर काम करेगा तो और भी ज़्यादा ये वीडियो रैंक करेगा। और नीचे आइए, आप लोगों को मैं यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो ये आपको इंट्रो देगा कि इस प्रकार से काम किया जाता है। ओवरऑल गुड इसका SEO है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ जो टेक्निकल योगी सर का है ये उस पर 88 SEO है, यानी कि 90 से नीचे है तो पीला कलर है, जो 90 से ज़्यादा का SEO है उस पर ग्रीन सिंपल आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे टैग जो लिखा हुआ है, टैग पे देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये जर रहा है, यानी कि वो रैंक कर रहा है टैग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने चैनल पर भी टैग लगा सकते हैं और SEO कर सकते हैं। तो इस SEO करने के लिए हम अपने चैनल की मदद करते हैं, चैनल की मदद से आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने YouTube को खोल लेंगे उसी ब्राउज़र में, यांडेक्स ब्राउज़र में ही YouTube स्टूडियो को, और यहाँ जो अपलोड वाला ऑप्शन है इस पर हम एक वीडियो को अपलोड करते हैं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए सैम्पल वीडियो, कोई वीडियो नहीं है, मतलब एक होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं वो ऐसा वीडियो आप लोगों को बताता हूँ कि SEO कैसे किया जाता है, वो इसमें मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद आप लोगों को टाइटल, उसके बाद थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये तीनों बताऊँगा किस प्रकार से यूज किया जाता है SEO करने के लिए ताकि आपका वीडियो रैंक करे। तो यहाँ से हम एक वीडियो को ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है वो हमारा टाइटल आता है। टाइटल में कम से कम 5 कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो है BeatIQ बिल्कुल काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे BeatIQ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा है BeatIQ। और ऊपर चलिएगा
अगर आपका SEO का यहाँ पे मार्क 50 आ जाता है तो भाई साहब को आपकी वीडियो को कोई नहीं रोक सकता रैंक करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपना टाइटल लिख लेना है। टाइटल पे हमें ऐसा टाइटल लिखना है जो कि सर्चेबल हो, यानी कि बढ़िया टाइटल हो जो हमारा वीडियो हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाउ टू डाउनलोड FL Studio मोबाइल बेसलाइन। तो यहाँ से हम सबसे पहले उस टाइटल को लिख लेंगे जो हमारा वीडियो अंदर है, उसी टाइटल को हम लिखेंगे। यहाँ पे क्लिक बैट नहीं करना है, तो आपका वीडियो ऊपर से तो रैंक कर जाएगा, बस अंदर कोई जाएगा तो उसको डिसलाइक करके बाहर आ जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा क्लिक बैट करने से। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम आएंगे तो उसी टाइटल को हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी उसी टाइटल को हम लिख देंगे। सबसे पहले जो हमारा टाइटल होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, उसके बाद उसे हम अपने टैग्स में भी डालते हैं तो ज़्यादा चांस रहता है कि हमारा वीडियो रैंक करता है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं लेकिन कॉपी नहीं हो रहा, तो हम चलिए डिस्क्रिप्शन में उस लाइन को हम लिख ही देते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम फटाफट उस लाइन को ही लिख देते हैं हाउ टू डाउनलोड FL Studio मोबाइल बेसलाइन। तो यहाँ से हम इसको लिख दें, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 5 टैग जरूर से ज़रूर डालना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये SEO बता रहा है BidIQ का। आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगा कि टाइटल में क्या लिखना है, कितना लिखना है और डिस्क्रिप्शन में कितना लिखना है, ये सारा का सारा यहाँ पे दिखा रहा है। आप लोग वीडियो में बने हैं तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम टैग में आ गए, टैग में भी हमें लिखना है टैग, तो हमें चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया जो टैग होगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे हमें टैग भी मदद करता है हमारा ये जो BidIQ है, इस पर मैं बहुत ही बढ़िया से एक वीडियो बनाऊंगा जिसकी मदद से हम यहाँ पे SEO कर सकते हैं चैनल पे वीडियो अपलोड करने वक्त। ये तो मैं बताया हूँ कि अपने मोबाइल में कैसे यूज किया जाता है BidIQ, लेकिन SEO करना मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा सिर्फ स्पेशल इसी के ऊपर। तो अभी देख सकते हैं एक टैग डाला हूँ तो यहाँ पे 6.8x50, यानी कि 50 से अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा BidIQ SEO रिपोर्ट बता रहे हैं, यानी कि टैग काउंट है 0x5, टैग वॉल्यूम है 0x5, कीवर्ड इन टाइटल 1x5, कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन 1x5। तो यानी कि 5 कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, 5 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो चलिए हम टाइटल को और लंबा करते हैं, और आप जैसे हम इस टाइटल में और कीवर्ड डालेंगे वहाँ पे देखिएगा कि 5x5 हमारा हो जाएगा, 5x5 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम और चीज़ यहाँ पे टाइटल में डालते हैं FL Studio सैंपल पैक, और उसके बाद हम अपना नाम डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे 5 टाइटल हो जाएगा, 5x5 काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन में भी नीचे पॉइंट दे दे कि हमें टैग के जैसे लिखना है, तो 5 टैग हमें डिस्क्रिप्शन में भी चाहिए, और उसके बाद टैग भी भर के चाहिए ताकि रैंक करे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे देखे हैं तो हमारा 5x5 पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो टैग है, टैग को हमें भरना है, टैग को फुल करना है, यानी कि जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर टैग करना है। अगर टैग लिखना है, अगर टैग आप लोगों को नहीं पता है कि टैग कहाँ से लिखें, तो दो वेबसाइट बना, तो एक रैपिड टैग्स है, एक एच सुपर टूल, इस पर क्लिक करके आप टैग अच्छा अच्छा ढूंढ लेते हैं। और SEO जो BidIQ है इसकी मदद से भी हमें टैग मिलता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग टैग डाल सकते हैं। तो देखिए हम दोस्तों देखिएगा आप जिस प्रकार से हम यहाँ पे टैग डाल रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पे हमारा वो SEO का जो रिजल्ट है वो बढ़ता जा रहा है। चलिए हम आप लोगों को एक बार जूम करके दिखाते हैं वहाँ पे कैसा हो गया। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 28 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 28x50 हो गया, यानी कि जितना ज़्यादा हम टैग इसमें डालेंगे अच्छा अच्छा टैग, यहाँ पे अगर 40 से ऊपर हमारा जाता है यानी कि 50 के आसपास जाता है तो हमारा वीडियो रैंक करेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी अपने वीडियो में SEO कर सकते हैं, और मोबाइल से भी आप लोग BidIQ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहले आना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग
हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना इजी है इस मोबाइल से भी SEO करना बीड IQ की मदद से। देखा है आप लोगों ने कि मैंने अपने वीडियो पे कैसे मतलब पहले जो मैं यूज किया था बिना SEO का था, बीड IQ की मदद से नहीं था, लेकिन जब मैं बीड IQ इंस्टॉल किया हूँ अपने फ़ोन में, उसको यूज किया हूँ, तब मैं SEO किया हूँ, तो मेरा जाके 48 पॉइंट SEO पहुँच गया, 48 SEO पहुँच गया। 50 रहता है उसके नीचे, अगर आप 49 तक कर लेते हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया SEO हो जाता है। अगर कोई भी सर्च करता है उस टॉपिक को तो आप लोगों को ऊपर ही सबसे ऊपर आ जाता है आपका टॉपिक। अगर आपको कोई भी चीज़ YouTube से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो ये बगल में जो आप लोगों को आ रहा है दो, उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।